बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज मैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही कमाल की आलू गोभी। तो दोस्तों, इसके लिए जो जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं। इससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल बने हैं, अगर आप भी मेरे चैनल बने हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़ोर से दबा दें, इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं बना रहा हूँ आलू गोभी पाकिस्तानी स्टाइल की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, फुल मसाले वाली, फुल टेस्टी, जो आप एक दफ़ा बनाएँगे तो बार बार बनाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो रेडी हैं। आज मैं लाया था 1 kg गोभी, ठीक है, और 1/2 kg ये देखें पोटैटो हैं, आलू हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से काट लिए, ठीक है। गोभी को हम अभी काटेंगे, ठीक है। गोभी का फूल अब बहुत ही कमाल का, ठीक है। इसके जो ये होती हैं सारी जड़ें वगैरह वो हमने काट लेनी है, हमने सिर्फ इसका फूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों 2 अदद बड़े टमाटो हैं, वो इस तरीके से काट लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों 1 अदद ओनियन है, वो इस तरीके से काट लेंगे। बड़ा वाला ओनियन लिया था वो इस तरीके से काट लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों घर के मसाले हैं वो डालेंगे हम। 1 teaspoon जाएगा गरम मसाला, 1 teaspoon जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 teaspoon से कम जाएगा नमक, नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 teaspoon जाएगी हल्दी, ठीक है। इसमें आप ज़ीरा भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों धनिया है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च इस तरीके से काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चले दोस्तों, ये जो गोभी है इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, गोभी के फूल को हमने इस तरीके से कटिंग करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ऐसे पकड़ के, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो गोभी बनेगी बहुत ही मसालेदार। जो गोभी लवर हैं, गोभी आलू के लवर, वो इस तरीके से बनाएंगे गोभी तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे हम। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने गोभी को अच्छे तरीके से काट लिया है। अब आप देख सकते हैं कि गोभी को इस तरीके से हमने काटना है, ठीक है, इस तरह से पीसेस। और पोटैटो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, छोटे तरीके से भी रख सकते हैं, बड़े छोटे आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर गोभी आलू को साइड पर करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई रख दी है, ये देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो ओनियन है, ओनियन को डालकर हम थोड़ा सा लाइटली ब्राउन करेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ओनियन हमारा थोड़ा सा लाइटली ब्राउन हो गया, बस हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब जो ये टमाटो है, टमाटो को अब इस टाइम पे आके सारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोभी। ये आलू गोभी जो है ना रेस्टोरेंट पर इस तरीके से बनाई जाती है, तो आज आपको मैं कमर्शल तरीका अल्हम्दुलिल्लाह घर में आलू गोभी का बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको अभी हम अच्छे तरीके से लाइटली, ये देख लें, भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो टमाटो और प्याज ओनियन हमारा अच्छे तरीके से थोड़ा सा हो गया। अब इस दौरान क्या करेंगे, जो मसाले हैं, मसालों को इस टाइम पे आके आपने डाल देना, ठीक है। फिर आपने मिक्स करके इसकी कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बनाई कर लेनी है। मैं आपको बताता हूँ, अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसकी बनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आकर हम ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें दोस्तों, थोड़ी सी हरी मिर्चें हम डाल देंगे, ठीक है, खुशबू के लिए। थोड़ा सा हम इसमें धनिया डाल देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको इस टाइम पे आके मिक्स करेंगे मसाले को, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही कमाल की हमारी आलू गोभी बनेगी रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है दोस्तों। इस दौरान क्या करेंगे, ये देखें आप, जो ये गोभी है और आलू है, ठीक है, इस टाइम पे आके हम मसाले के साथ इसको डाल देंगे और इसकी बनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको अच्छे तरीके से इस टाइम पे आके आपने मिक्स करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की हमारी आलू गोभी जो है ना वो तैयार होगी। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने आलू गोभी को अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लिया। अब दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, ये देखें आपने एक पानी का गिलास लेना है, ठीक है, ये इसमें डाल देना है, एक गिलास बहुत है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मिक्स करके आपने क्या करना है, इसको ऐसे लेवल कर देना है साइडों से भी और सेंटर से भी, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है हमारी कढ़ाई का, ये देखें बिस्मिल्लाह करके ऊपर लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और दोस्तों स्पेशली आज की अगर रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी रेस्टोरेंट स्टाइल की फुल मसाले वाली फुल टेस्टी बनाकर हमें सिखाई है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना है, इससे नेक्स्ट रेसिपीज आपको अच्छी से अच्छी मिलेगी। ये आप दोस्तों के लिए गिफ्ट होती हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच करें, इंजॉय करें आज की रेसिपी मेरे साथ, और आलू गोभी को जरूर नए तरीके से आपने बनाना है। तो दोस्तों आज की रेसिपी हमारी बहुत ही खुशबूदार बहुत ही मज़ेदार बन रही है। आज हमने जो आलू गोभी बनाई है फुल खुशबूएं हर तरफ फैल गई हैं मसालों की और हमारे गोभी की भी, गोभी आलू की भी। और इसको आपने फ्लेम हाई पे पकाना है, इसको बिस्मिल्लाह करके एक दफ़ा आपको मैं चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाह, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की हमारी आलू गोभी लग रही है, लेकिन अभी बंद कर देंगे, अभी हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। तो जी दोस्तों बिस्मिल्लाह करके अब चेक करेंगे, माशाल्लाह हमारी गोभी तैयार हो गई है आलू गोभी, बिस्मिल्लाह रखवाने, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही मज़ेदार खुशबूएं आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों इसको एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे और मैं आपको पोटैटो भी दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी आलू गोभी, ये देखें मसाले वाली, ये देखिए इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों मैं पोटैटो जो है अच्छे तरीके से ज़रा चेक भी करवाता हूँ कि हमारे पोटैटो तैयार हैं कि नहीं। ये देखें दोस्तों बिस्मिल्लाह, तो दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोटैटो बहुत अच्छे तरीके से देखें तैयार हैं, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। अब ये भी बीच में डाल देंगे और दोस्तों यहाँ पर हमने एक काम करना है, पहले इसको लेवल करके ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को ज़रूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करना है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी मसाले वाली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोभी, ये देखें बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली गोभी तैयार है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें दोस्तों गोभी का फूल जो है मैं एक लाया था 1 kg और इतनी मज़ेदार ये दोस्तों गोभी बनी है ना, मुझे लग रही है कि ये झटपट तरीके से प्लेटें साफ़ हो जानी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये गोभी कम पड़ जानी है। तो ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, यहाँ पर हम 1 से 2 हरी मिर्चें डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की स्पेशल गोभी आलू गोभी मसाले वाली बनकर तैयार है। यहाँ पर भी है गोभी, इसको भी हम ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऐसे ही पहले मिक्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये देखें हम धनिया वगैरह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हरी मिर्चें ये डाल देंगे। तो जी दोस्तों आई होप कि अगर आज की आलू गोभी फुल मसाले वाली फुल टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को पसंद आई हो, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो दोस्तों यार चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हो तो आप मुझे फुली सपोर्ट किया करो, इग्नोर मत किया करो, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट रेसिपीज़ हैं वो बहुत बहुत अच्छी आने वाली हैं, बहुत बहुत कमाल की आने वाली हैं, और आज की रेसिपी के बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में, इसको ज़रूर मेरे तरीके से तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल की आलू गोभी मसाले वाली टेस्टी बनकर तैयार है। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो ज़्यादा देर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।